दोस्तों बार बार गवर्नमेंट रिमाइंड करा रही है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा कानून है जो वर्करों पर लागू है, क्योंकि अदर जितने भी कानून बनते हैं ज़्यादातर कंपनी पे लागू होता है और कंपनी को एक दो बार से ज़्यादा रिमाइंड नहीं कराती है, लेकिन कंपनी फाइन देने से पहले ही दोस्तों वो लोग क्या करती है कि वो सिस्टम अपडेट कर देती है और वो सिस्टम अपने आप को सही कर लेती है। लेकिन दोस्तों ये वर्कर के नाते, क्योंकि पहली बार इतना लार्ज लेवल पर दोस्तों ये चीज़ हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट 10 बार से ज़्यादा रिमाइंड करा चुकी है ताकि जितने भी वर्कर भाई हैं उन पर ये फाइन ना है और उनका वीजा रिजेक्ट ना हो। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको पता है दोस्तों कि पिछले एक साल से गवर्नमेंट बार बार रिमाइंड करा रही है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, वो लाजिम हर वर्कर को जितने भी यहां पे काम करते सारे लोगों को दोस्तों कराना जरूरी हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में आपने कराया है कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अगर नहीं कराओगे दोस्तों तो 1 अक्टूबर से दोस्तों आपके आईडी पे, ये कंपनी पर नहीं दोस्तों, आपके आईडी पर 400 दरम फाइन आएगा अगर जो लोग नहीं कराएंगे। 2-3 बार ऑलरेडी खुद डेट ये बता चुकी है दोस्तों गवर्नमेंट, इसके बाद दोस्तों लास्ट डेट जो दी है वो 1 अक्टूबर दी है, यानी 1 अक्टूबर के बाद हर वर्कर को जो लोग नहीं कराएंगे उनका 400 दरम फाइन आना ही आना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों वो है दोस्तों वर्क वीजा। अगर आप किसी भी कंपनी में 2 साल में काम कर रहे हो तो अगर आपका इंश्योरेंस ये नहीं कराओगे तो जैसे ही आपका एचआर है, कंपनी आपका वीज़ा लेकर जाएगा रेन्यूअल के लिए, तो वो वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले दोस्तों आपको वो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तब आपका वीज़ा रेन्यूअल होगा, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट करना पड़ेगा और आपको सच में दोस्तों देश से बाहर जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है कि जब वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो और बहुत बड़ा फ़ाइन आएगा, तो मजबूरन आपको इस देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी प्लीज़ यार अपने भाइयों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जो लोग नए हैं, ताकि उनको दोस्तों अल अंसारी एक्सचेंज में ये इंश्योरेंस होता है दोस्तों 1 साल का 65 दरम ऐसा कुछ लगता है।